और चलिए अब अगली खबर आपको महाराष्ट्र के पालघर से बताते हैं, जहां पर हिट एंड रन का एक मामला सामने आया है और एक 45 साल की महिला को निशाने पर लेकर एक युवक ने अपने उस पर हमला किया और वहीं पर युवक ने इस हमले के बाद भागने की कोशिश करी, लेकिन आपको बता दें आसपास के लोगों ने दौड़कर उस फरार भागते हुए युवक को पकड़ लिया। इस पूरे मामले में FIR दर्ज हो चुकी है। ये बड़ी जानकारी आपको महाराष्ट्र के पालघर से दे रहे हैं, जहां पर हिट एंड रन का मामला सामने आया है। एक 45 साल की महिला प्रोफेसर की मौत हो जाती है, उसे एक नौजवान युवक अपनी फॉर्चुनर गाड़ी से कुचल देता है और तेज रफ्तार का ये पूरा मामला है। फॉर्चुनर से कुचल कर मौत और उसके बाद वो युवक डर कर गाड़ी मौके पर छोड़कर भागने की फिराक में रहता है, लेकिन आसपास के लोग पुनीता उसको पकड़ लेते हैं और फिर पुलिस के हवाले कर देते हैं। बिल्कुल, देखिए लगातार ऐसे हादसों की तस्वीरें सामने आती है, लेकिन इसके बावजूद भी स्थिति जो है सुधरती हुई नजर नहीं आ रही है। एक बार फिर देखिए महाराष्ट्र के पालघर से एक खबर सामने आई है, जहां आपको बता दें कि 45 साल की महिला प्रोफेसर की मौत हो गई है और मौत इसलिए क्योंकि तेज रफ्तार फॉर्चुनर जिसने कुचल कर मौत के घाट उतार दिया है। 25 साल के युवक ने टक्कर मारी थी और वाहन छोड़कर आरोपी युवक जो है फिलहाल भागने में कोशिश, और फिलहाल जो है पुलिस इस पूरे मामले को लेकर केस जो है दर्ज कर चुकी है, जाँच कर रही है। और चलिए अब अगली खबर आपको सऊदी अरब से बताते हैं, और ये खबर है मौसम से जुड़ी हुई, जहां पर जाजान नाम का एक शहर है, इतनी भारी बारिश होती है कि सड़कें देखिए पूरी तरह से जलमग्न हो जाती हैं। यहां पर ये सऊदी अरब का जाजान इलाका है और इस शहर में आप देखिए बारिश ने कैसे कहर बरपाया है, चारों तरफ सड़कों पर पानी ही पानी है और उसी पानी पर गाड़ियां यहां पर दौड़ती चलती हुई नजर आ रही हैं। हालांकि गाड़ियों की और वाहनों की रफ्तार थम सी गई है क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है और पुनीता लगातार मौसम का कहर न सिर्फ भारत पर बल्कि विश्व भर पर अपना कहर बरपा रहा है। बिल्कुल, ना सिर्फ भारत में बल्कि पूरी दुनिया भर में इस वक्त जो है तबाही नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए ये तस्वीर जो है वो सऊदी अरब से निकलकर सामने आई है, जहां जाजान शहर में सड़कें जो है किस तरीके से यहां पर तालाब में तब्दील है आप खुद देखिए, और गाड़ियों की जो रफ्तार है वो धीमी हो गई है क्योंकि बारिश और बाढ़ का जो कहर है वो इस वक्त हर ओर दिखाई दे रहा है। सऊदी अरब में भी हाल जो है काफ़ी बेहाल नज़र आ रहा है, सड़कें जो है दरिया में तब्दील हो चुकी है और गाड़ियों की रफ्तार धीमी हो गई है और लोगों का जनजीवन जो है इस पर भी इसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो खुद को घरों में कैद करने को मजबूर हैं, लेकिन अगर घर से बाहर निकलते हैं तो उन्हें इस मुसीबत का सामना भी करना पड़ता है। वायनाड में आई त्रासदी के बाद की ड्रोन तस्वीरें सामने आई है, भयानक हादसे में अब तक 308 लोगों की जान चली गई है, लोगों की मदद के लिए लगातार रेस्क्यू अभियान जारी है। हिमाचल के रामपुर में लैंडस्लाइड के बाद की तस्वीरें सामने आई हैं, भूस्खलन के चलते सड़क टूटी है, मरम्मत का काम जारी है। हिमाचल के रामपुर में आई बाढ़ से काफी नुकसान हुआ है, पुनर्निर्माण का काम जारी था और बादल फटने से 6 लोगों की मौत हो गई। रुद्रप्रयाग में फंसे तीर्थयात्रियों को सुरक्षित बाहर निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी, मदद में जुटे वायुसेना के हेलीकॉप्टर। इधर महाराष्ट्र के नासिक में युवक की बेरहमी से हत्या कर दी गई, लोहे की रॉड से युवक को मारा गया, सीसीटीवी कैमरे में तस्वीरें सामने आई है। उत्तर प्रदेश के कानपुर में रफ्तार का कहर, कार सवार ने स्कूटी सवार को टक्कर मारी, हादसे में एक महिला की मौत हुई, एक घायल, घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद। यूपी के मुजफ्फरनगर में युवती के साथ छेड़छाड़ करते मंचले का वीडियो वायरल हो रहा है, बाइक सवार मंचला कोचिंग के बाहर दो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करता हुआ नजर आया। पुणे में दिन दहाड़े आभूषण की दुकान को बदमाशों ने निशाना बनाया, बंदूक की नोक पर लूटपाट की गई, ये घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई। हरियाणा के रेवाड़ी में चोरों के हौसले बुलंद है, मां मनसा देवी बस्ती में चोरों ने सेंध की है, कई कीमती सामान लेकर फरार हो गए। लद्दाख में भारी बारिश की वजह से हादसा, कबड्डी नाला करगिल में इमारत गिरी, हादसे में 5 लोगों के घायल होने की खबर। अयोध्या गैंगरेप मामले में रिपब्लिक भारत की खबर का असर हुआ है, सीएम योगी के आदेश पर SSP ने SO और चौकी इंचार्ज को सस्पेंड कर दिया है, आरोपी मोहित खान की अवैध संपत्ति पर बुलडोजर चलेगा। शेल्टर होम में हुई मौतों का NCPCR ने संज्ञान लिया, NCPCR ने दिल्ली सरकार से रिपोर्ट मांगी, NCPCR के अध्यक्ष
प्रियांक कानूनगो ने बताया कि बेहद गंभीर मामला है। तो दो मिनट भारत में हमने आपको तमाम बड़ी खबरें दिखाई, लेकिन अब वक्त हो चला है जाग उठा भारत को यहीं पर विराम देने का, लेकिन खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहे। तो कहीं मत जाइए, फॉरन लौट रहे आप, देखते रहिए रिपब्लिक भारत। आपके सांसद के साथ बैठ रहा है, खा रहा है, उनके साथ चल रहा है, इस प्रकार के अपराधियों को आप कहते हैं साहब गोली मार रहे हैं, क्या माला पहनाएंगे क्या? आपको बुलडोजर से डर लगता है, लेकिन ये निर्दोष के लिए नहीं है, उन्हीं अपराधियों के लिए है जो प्रदेश के नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। अयोध्या में गैंग रेप पर बाबा बेहद गुस्से में हैं। समाजवादी पार्टी के आरोपी नेता की गिरफ्तारी हो चुकी है और अब बुलडोजर गरजने वाला है, क्योंकि सीएम योगी ने अयोध्या के सपा सांसद के रेपिस्ट यार पर बुलडोजर का ऑर्डर दे दिया है। शिकायतें मिली हैं, आप जानते हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में जांच की जा रही है और जो भी कड़ी वैधानिक कार्रवाई है माननीय शासन के आदेश के क्रम में बिल्कुल वो कार्रवाई संचालित की जा रही है। धर्मनगरी अयोध्या का वो अधर्म जिसके बारे में पूरा देश जानता है, सीएम योगी खुद विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान कर चुके थे। बाबा के ऐलान के बाद समाजवादी सांसद अवधेश प्रसाद को कोई जवाब नहीं मिल रहा है। आपने दो दिन पहले कहा था कि घटना से अवेयर होंगे कि नहीं, अरे आपने घटना का संज्ञान लिया, कार्रवाई होगी कि नहीं, आपके साथ तस्वीर है। समाजवादी पार्टी खुद उस घटना के बारे में बोलने से बच रही है। मोईद खान पर ना ही सपा नेता कुछ बोल रहे हैं और ना ही अब तक पार्टी ने कोई कार्रवाई की है, जो बताने के लिए काफी है कि नाबालिग के साथ गैंग रेप के आरोपी को लेकर समाजवादी पार्टी का स्टैंड क्या है। सवाल ये है कि क्या अखिलेश यादव मोईद खान को बचा रहे हैं? सवाल ये भी कि क्या अखिलेश यादव को वोट बैंक के खिसकने का डर सता रहा है? समाजवादी पार्टी ने भले ही चुप्पी साध रखी हो, लेकिन पीड़िता ने अपने परिवार के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। पीड़िता की मां ने सीएम योगी से दोषियों को फांसी की सजा देने की मांग की है, तो वहीं सीएम ने सख्त कार्रवाई का भरोसा भी दिया है। मेरे साथ उनकी मां मौजूद हैं, बात करने की कोशिश करेंगे। की मुलाकात मुख्यमंत्री से भी हुई थी, क्या कुछ बातचीत हुई है? ओगी से बात हुई है, तो बता रहे बुलडोजर चलेगा, फांसी लगेगा, सब बात ऑर्डर दिया है, सब बात हुई यहूँ पे लखनऊ हम गए वगी के पास, सब मुलाकात भई है, सब बयान दिया है, तो अब वही चलेगा सब। योगी के आदेश के बाद प्रशासन फुल एक्शन मोड में है, बुलडोजर एक्शन को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं, गैंग रेप के आरोपी की संपत्ति की जाँच शुरू हो गई है। पुलिस की टीम पहुंची थी, एसडीओ और सीओ भी पहुंचे थे और उनके साथ पुलिस फोर्स भी थी सुरक्षा को लेकर, साथ ही यहां पर चेकिंग की जा रही थी क्या कुछ हालात हैं, और पुलिस फोर्स तैनात भी रहेगी ये भी कहा गया है। टीम आई थी, कितने लोग आए थे? बहुत सारे लोग थे, ज्यादा लोग, दो तीन गाड़ियां थी, बहुत सारे लोग थे, तो उन्होंने पूरा बाकायदा बोला है कि सुरक्षा भी यहाँ मौजूद रहेगी और कार्रवाई भी कड़ी से कड़ी किया जाएगा। सीएम योगी ने विधानसभा से समाजवादी पार्टी नेता पर सख्त एक्शन का ऐलान किया था। सीएम योगी ने साफ साफ कहा था, मासूमों के साथ गलत करने वाले, समाज में अराजकता फैलाने वालों को गोली नहीं मारी जाएगी तो क्या माला पहनाई जाएगी?